तो स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में बहुत सालों से है, मगर इस कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली अपना IPO लाया था और उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया है। तो इस शेयर का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो देख सकते हैं अमिताभ बच्चन इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। बॉलीवुड एक्टर एंड आइकॉन अमिताभ बच्चन हैज़ बीन साइंड एज ऑन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स, इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सेल्फ ओन ज्वेलरी चैन। इंडिया की सबसे बड़ी सेल्फ ओन लार्जेस्ट ज्वेलरी सेगमेंट में इनके लार्जेस्ट स्टोर है। दिस ग्रुप करंटली होल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन इन साउथ इंडिया विथ 35 स्टोर अक्रॉस 4 साउथर्न स्टेट। और इनके 35 स्टोर है साउथ स्टेट्स में। और ये कंपनी EMI पे भी ज्वेलरी अवेलेबल करती है, वेरियस सेविंग स्कीम टू परचेज गोल्ड डायमंड प्रीशियस पोल्की एंड अनकट ज्वेलरी थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ 11th मंथ। नाउ शॉप एट ईज फॉर ऑल कल्याण ज्वेलर डिज़ाइन एट कैंडेरी। ये मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी आपको ज्वेलरी बना के देते हैं, तो आप इनके स्टोर को ज़रूर विजिट कर सकते हैं। TS कल्याण रामन ये इस कंपनी के फाउंडर मेंबर और CEO है अभी। कल्याण ज्वेलर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर TS कल्याण रामन इज द वेल्थीएस्ट ज्वेलर इन इंडिया विथ पर्सन फॉर्चून US$1.3 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। रैंक वन पे है ये ज्वेलरी सेगमेंट में, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इनकी नेटवर्थ है 1300 करोड़। हाउ मेनी स्टोर्स इनके करंटली 137 शोरूम्स स्प्रेड अक्रॉस इन इंडिया मिडल ईस्ट विथ मोर टू कम इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में इनका स्केल करने का भी प्लान है। कल्याण ज्वेलर्स इज एन इंडियन चेन ऑफ ज्वेलरी शोरूम। इट हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस मेजर सिटीज इन द कंट्री एंड वेस्ट एशिया विथ अ वर्क फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ ओवर 8000 एम्प्लॉय इनके कंपनी में काम कर रहे हैं। और इनका सभी मेजर सिटी में इनका रीच है और ये सभी मेजर सिटी में अपने शोरूम लगा चुके हैं। तो चलिए हम अभी इस कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6829 और इसका फेस वैल्यू है 10। आपको फ्यूचर में इसका स्प्लिट बोनस सब मिल सकता है। इसका 52 वीक लो है 56 रुपीज़ और 52 वीक हाई 89 रुपीज़। तो चलिए हम अभी देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का। 60% प्रमोटर होल्ड करते हैं, 3.26% FIIs होल्ड करते हैं, 2.06% DIIs होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास 34% है। इस शेयर का प्राइस अभी कम चल रहा है, तो इस शेयर में पब्लिक अभी ज़्यादा एंटर कर चुकी है। FIIs DIIs भी एंटर करेंगे। अब सब लोग वेल नोन है टाइटन कंपनी में। राकेश झुनझुनवाला में जब लिस्ट हुई थी वो कंपनी, उस टाइम पे 2 करोड़ समथिंग शेयर उन्होंने उठाए थे। आज उनकी नेटवर्थ है 5000 करोड़। उस शेयर की कीमत है, आज उनके पास जो शेयर है उस शेयर की कीमत है 5000 करोड़ रुपीज़। तो उन्होंने टाइटन पे ही अपनी पूरी वेल्थ बनाई है। तो आप भी इस तरह के स्टॉक उठा के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलिए इसी कंपनी में। आप शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा, मगर 50% 20% 70% ऐसे बनेगा। आपको ज़्यादा वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म डाउ खेलना पड़ेगा। अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं। कंपनी का रिवेन्यू देखते हैं। 2017 में कंपनी ने 7495 करोड़ का बिजनेस किया था। 18 में 8253 कंपनी 53 करोड़ का कंपनी ने बिजनेस किया था। 19 में 7448। अनसर्टनटी है, कंटिन्यूस ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, उसी रेंज में खेल रहा है। 20 में 7845 और 21 में 7325, उसी रेंज में है, न कम न ज़्यादा। अभी मार्केट में अनसर्टेंटी है, गोल्ड प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहे, तो इसलिए भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। अभी 2017 में कंपनी ने 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। 2018 में कंपनी ने 137 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2019 में पूरा गिर चुका था 44 करोड़, ये कोविड का प्रॉफिट है। और 20 में कंपनी ने 156 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ये देखो फिर से जंप कर दिया, 2018 में 137 और 90 का छोड़ दीजिए क्योंकि वो कोविड था, उस टाइम पे तो सबका डाउन चल रहा था। अभी 20 में देखिए 156 करोड़ डायरेक्ट जंप किया। अभी 21 में 138 करोड़, अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा।
तो चलिए हम अभी कंपनी के चार्ट पे आते हैं, शेयर होल्डिंग चार्ट पे आते हैं। देखिए कंपनी अभी 66 पे चल रही है, 76 पे थी। अभी कंपनी मार्केट की अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और अपना बजट आने वाला है, इसकी वजह से कंपनी डाउन चल रही है, 66 पे आ चुकी है। अभी इस कंपनी में आप एंटर कर सकते हैं, आपको सही प्राइस भी मिल रहा है। अभी ये देखिए मई में चल रहा था 66 रुपीज़ पे, मई में ही आया था ये, 56 रुपीज़ पे आया था मई में, 21 में 56 रुपीज़ पे आ चुका था। वहाँ से जंप करके डायरेक्ट 88 पे पहुँचा था 1 मंथ में, जून में। आप देख सकते हैं कैंडल जून में 89 तक पहुँचा था, 52 वीक हाई बना के फिर से ये 60 को टच किया, फिर से ऊपर गया 84 को। कब चार्ट में थोड़ा ज़्यादा अप एंड डाउन दिख रहा है, मगर आपको ऐसे अप एंड डाउन झेलने को आनी चाहिए, तभी आप मार्केट में टिक सकते हो। अदरवाइज आपको जल्दी ही एग्जिट करना पड़ेगा, आपको ये शेयर लेना है और भूल जाना है। आपको जितना आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, आप सब शेयर लीजिए 6,000 के और भूल जाइए आप 5-10 साल के लिए। तो ये स्टॉक ज़रूर आपको वेल्थ बना के देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ज्वेलरी सेगमेंट में कितने शेयर है और किसका क्या मार्केट कैप है, प्राइस है। अभी देख सकते हैं आप ज्वेलरी और डायमंड में टाइटन कंपनी 1 नंबर पे होल्ड कर रही है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 2,07,448 करोड़। और जब राखी झुनझुनवाला ने उसमें पैसा डाला होगा तो ये इसका मार्केट कैप इतना तो नहीं होगा ना, करीब 5-6 हज़ार करोड़ होगा, 1-2 हज़ार करोड़ होगा, उस टाइम का तो पता नहीं है। तो अभी देखिए 2 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और मार्केट में ये कंपनी 1 नंबर पे होल्ड कर रही है अभी। तो इसका 52 वीक लो है 1,396 और 52 वीक हाई है 2,687 और अभी चल रहा है 2,336 रुपीज़। तो 2 नंबर पे आती है राजेश एक्सपोर्ट, 3 नंबर पे आती है वैभव ग्लोबल और 4 नंबर पे आता है कल्याण ज्वेलर्स। ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है, 4 नंबर पे कंपनी है और अपने प्राइस में मिल रहा है, अभी कम प्राइस में मिल रहा है, 66 रुपीज़ में आपको 4 नंबर की कंपनी मिल रही है। उसका फेस वैल्यू भी 10 है, अभी टाइटन का फेस वैल्यू 1 है, आपको उसमें स्प्लिट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अभी आपको स्प्लिट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। आप भी अपनी स्टडी कीजिए फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली आप मार्केट में जाके कल ही शेयर खरीद लो, आप भी स्टडी कीजिए उसके ऊपर, और बाद में आपको अच्छा लगा तो आप शेयर खरीद लीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। चलो थैंक यू।